सब्सक्राइब करें टेक डीवी को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, वीवो ने एक टीजर जारी करके ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वीवो का Z1X भारत में 6 सितंबर को लॉन्च होगा और इस फ़ोन में आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर और इसके साथ मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों, ये हम बता दें कि ये फ़ोन इससे पहले चाइना में लॉन्च हो चुका है, वहाँ पर यह फ़ोन वीवो Z5 के नाम से लॉन्च हुआ था, ये उसी का रीब्रांडिंग फ़ोन है जो कि भारत में अब लॉन्च होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं वीवो Z1X के बारे में कि क्या कुछ मिलने वाला है इस फ़ोन में, क्या होगा इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन और ये कितने में भारत में लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कर दे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है पॉलीकार्बोनेट का बैक जो कि ग्लोसी ग्रेडिएंट के साथ आने वाला है और साथ ही आपको यहाँ पर ट्रिपल ईयर कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और हम बात करें इसके फ्रंट साइड के बारे में, तो यहाँ पर मिलेगा 6.38 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगा और ये एक सुपर एमोलेड पैनल होने वाला है। और इसके साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सेल्फी के लिए अंडर वाटर ड्रॉप सेल्फी कैमरा भी यहाँ मिल जाता है। और हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि रियलमी 5 में भी आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ मिलेगा एंड्रॉयड पाए का सपोर्ट जो कि फंटूस OS के साथ आने वाला है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट के बारे में, तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाएंगे जिसमें 4GB 64GB 6GB 64GB और 6GB 128GB के साथ आपको देखने को मिलेगा। और हम बात कर लेते हैं इसके कैमरास के बारे में, तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है जिसका मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा और ये सोनी का IMX586 वाला सेंसर होने वाला है। और इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग लेंस भी मिल जाता है। और हम बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो वीवो हमेशा से अपने कैमरे को मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करता रहता है, तो यहाँ भी आपको काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट कैमरे सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। और हम बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 4500 mAh का बैटरी जो कि 22.5 वाट फास्ट चार्जर के साथ देखने को मिलेगा और साथ ही टाइप सी का पोर्ट और 3.5 mm का जैक भी आपको देखने को मिल जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो जैसा कि टीजर में दिखाया गया है ये 6 सितंबर को भारत में लॉन्च होगा। और हम बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो दोस्तों इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB वाला वो 15 से 16 हज़ार के बीच में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों 15 से 16 हज़ार के बीच में आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर और साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो देखा जाए तो 15 से 16 हज़ार के बीच में ये काफ़ी अच्छी फ़ोन बन के आने वाला है। तो दोस्तों, ये था वीवो Z1X के बारे में कुछ कंफर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।